Hello class, welcome to the product science classes and today we will discuss the genetics, some basic fundamental of class 10th biology. ठीक है, last classes हमने क्या discuss किया था इसका, उसमें हमने genetic, heredity, sex link, determination, cross, chromosome के बारे में ये सब चीजें पढ़ ली थी. carrier क्या होते हैं, genes क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने study किया था. आज हम पढ़ेंगे alleles क्या होते हैं. ठीक है, एलील क्या होते हैं. एलील, एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर अ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स. एवरी जीन, हर जीन में क्या होते हैं, टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं फॉर अ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग, जिससे कि हम कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, जिनसे हम कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे अलग अलग हमें इफेक्ट्स दिखाई देते हैं. कैरेक्टर जो प्रोड्यूस होते हैं उनसे अलग अलग इफेक्ट्स दिखाई देते हैं. दीज ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड एलील्स. ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं. ठीक है, जिनसे हमारे कैरेक्टर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग इफेक्ट दिखाते हैं. जो एलील्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ठीक है, डोमिनेंट क्या होते हैं, जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं वो अपने आप को शो करते हैं और रिसेसिव के जो कैरेक्टर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनको दबा देते हैं. ठीक है, ये करते हैं, डोमिनेंट हमें दिखाई देते हैं और रिसेसिव क्या होते हैं, उनके पीछे दब जाते हैं. जैसे मान लीजिए एक लॉन्ग हाइट का पर्सन है और शॉर्ट हाइट का पर्सन है और लाइन में लगे, तो शॉर्ट हाइट का पर्सन क्या होगा, लॉन्ग हाइट से पीछे छुप जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा, वो ऐसे ही ऐसे कहीं से झांकता रहेगा. ठीक है, वो अगर दोनों ही शॉर्ट हाइट के हैं तो दिखाई देंगे. देखिए, ये जो एलील होते हैं जब हम क्रॉस कराते हैं, ये मैं बता देती हूँ. मान लीजिए हमने मान लिया कि ये आर और आर हैं. ठीक है, ये डोमिनेंट फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिसेसिव फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर क्रॉस कराने के बाद टू आर आए हैं तो ये डोमिनेंट, बोथ विल बी द डोमिनेंट. तो ये डोमिनेंट है तो जो इसका कैरेक्टर होगा, फीचर होगा, ये शो करेगा. अगर इसके साथ एक रिसेसिव आ जाता है क्रॉस करने के बाद, तो भी ये डोमिनेंट ही शो करेगा और रिसेसिव को ये दबा देगा. ठीक है, इसके बाद अगर ये आर आर है तो ये सिर्फ रिसेसिव दिखाएगा, ना कि डोमिनेंट के कैरेक्टर या फीचर को दिखाएगा. किसको दिखाएगा, ये रिसेसिव के फीचर को दिखाएगा. ठीक है, तो अगर इनके साथ एलील्स में अगर डोमिनेंट के साथ रिसेसिव आता है तो वो डोमिनेंट दिखाएगा, ना कि रिसेसिव दिखाएगा. और रिसेसिव आता है, ओनली रिसेसिव होंगे अगर दोनों कैरेक्टर्स के, तो वो रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ठीक है, अब जैसे एलील की बात की इन्होंने, इन्होंने एक एग्जांपल दिया था, बुक में दिया था, टंग रोलर की बात की थी इन्होंने. टंग रोलर मतलब होता है कि अपनी टंग को रोल कर लेना. ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी टंग को रोल कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं. तो जब इन्होंने टंग रोलर को देखा, कराया गया, उसके कैरेक्टर्स को देखा गया टंग रोलर को, तो उसमें ये पाया गया कि इधर वन कैन रोल द टंग और वन कैन नॉट. कई बच्चे खड़े किए गए उसमें, टंग रोलिंग कराई गई, तो देखा गया कि उसमें से दो तीन तो टंग रोलिंग कर रहे हैं और उसके अलावा नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि वो जो टंग रोलिंग कर पा रहा था वो क्या था, उसका जो कैरेक्टर था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, और जिस जो दूसरा था उसका क्या था, रिसेसिव कैरेक्टर था. ठीक है, इसमें भी होता है क्रॉस कराते, जैसे कल मैंने आपको क्रॉस करके बताया था, वैसे ही क्रॉस करके भी दिखाते हैं. ठीक है, तो टंग रोलर की बात की इन्होंने, तो टंग रोलर में दिखाया कि जो टंग रोलिंग कर पा रहा था वो डोमिनेंट कैरेक्टर में आया और दूसरा नहीं आया. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने टंग रोलर लिया. A large number of people can roll their tongue into a tube projecting out of the mouth. उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों को ले लिया और उसमें देखा कि कुछ लोग टंग रोल कर रहे थे, कई लोग थे उसमें जिसमें टंग रोलिंग का करवाया गया, तो देखा गया कि कई लोग कर पा रहे हैं, कई लोग नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, इसमें भी रिसेसिव था, ये भी हो गया. तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ देम कैन डू इट बट अ फ्यू मे नॉट. उन्होंने देखा कि ज्यादातर कर पा रहे हैं और बहुत कम ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं. द जीन फॉर टंग रोलिंग इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. ये जो टंग रोलर का काम है
इसकी वजह से जीन्स पे भी कुछ इफेक्ट इसका होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसको नहीं कर पा रहे थे और कुछ लोग कर पा रहे थे। तो जिन लोगों के जीन्स में ये था वो कर पा रहे थे, जिन लोगों के जीन्स में नहीं था वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये टंग रोलिंग भी हमारे जीन्स से ही आता है। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल हैज अ पेयर ऑफ दिस जीन, इट इज अ रूल इन जेनेटिक्स टू रिप्रेजेंट द डोमिनेंट जीन। तो जो हमारे डोमिनेंट एलील्स होते हैं, जीन होते हैं, उनको कैपिटल से दिखाया जाता है, इसको हमने आर से दिखा लिया, और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल से दिखाया जाता है, इसलिए इसको स्मॉल से दिखाया। ठीक है, तो ये कैपिटल था, ये स्मॉल था। तो यहां पे इन्होंने टंग रोलिंग की का एग्जांपल दिया हुआ था। तो डोमिनेंट एलील की बात करते हैं, द काइंड ऑफ एलील व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील फॉर अ गिवन जीन। डोमिनेंट एलील वो होते हैं, उस काइंड के एलील होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं खुद को रिगार्डिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, मतलब इसके साथ आपके दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं, रिसेसिव कैरेक्टर भी है, ये भी है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डोमिनेंट, सिर्फ अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, साथ में इसको ले लेगा, ये रहेगा उसके साथ, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंट करेगा, वो सिर्फ इस वाले जीन का ही, डोमिनेंट का ही होगा, कि फीचर भी और कैरेक्टर भी। ठीक है, उसको ये छोड़ेगा नहीं। ठीक है, अब हम रिसेसिव की बात करते हैं। इसी तरह द काइंड ऑफ एलील हूज एक्सप्रेशन इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट, ये एलील इस तरह का होता है जो क्या करता है, जो दूसरे एलील को क्या कर देता है, जो डोमिनेंट होता है वो उसको सप्रेस कर देता है, उसके कैरेक्टर को छुपा देता है। ठीक है, उसके कैरेक्टर को छुपा देता है, डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में हमारा जो रिसेसिव एलील होता है वो छुप जाता है, और रिसेसिव एलील कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ, अगर रिसेसिव सिर्फ खुद को करता है तो उसके साथ सेम एलील होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहां बताया। अगर ये दोनों सेम होंगे, इसके साथ डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं आएगा, डोमिनेंट का नहीं होगा सिंबल, तो वो शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आर आर वो डोमिनेंट टंग रोलर होगा, आर और स्मॉल आर होगा तो वो टंग रोलर ये भी होगा, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, इसमें दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसमें दोनों रिसेसिव होंगे तभी वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारा जो स्मॉल आर भी क्या है, नॉन टंग रोलर को शो कर रहा है, तो नॉन टंग रोलर को जब शो करेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों जब होंगे तभी वो नॉन टंग रोलर होगा, अदरवाइज अगर कोई भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसमें कैपिटल आर है, तो ये कैसा होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, इसमें ये उसको दबाएगा नहीं। और एक चीज मैं बता देती हूं कि जो क्रोमोसोम होता है वो पूरा कैन नीदर बी डोमिनेंट और नॉन रिसेसिव, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ना ही डोमिनेंट होते हैं ना ही रिसेसिव होते हैं। जो हमारा क्रोमोसोम होता है, होल क्रोमोसोम कैन नीदर बी रिसेसिव और नॉर बी डोमिनेंट। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। रिसेसिव और डोमिनेंट, डोमिनेंट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव को स्मॉल आर से। इसका एक मैं क्रॉस आपको दिखा देती हूँ, इसमें आगे आपका पुनेट स्क्वायर भी बनता है। इसमें सबसे जो दिया था मेंडल ने वो किसका दिया था, मेंडल ने जो इसमें दिया था वो पी का दिया था, मैंने आपको बताया था, वो भी अभी आगे मैं बताऊंगी। इसमें टॉल और शॉर्ट का, येलो और ग्रीन का, और रिंकल्ड और राउंड का, इन सब चीजों का एग्जाम्पल है, मतलब पी को लिया है उन्होंने। अब हम इसके क्रॉस को देख लेते हैं एक बार, किसके, जैसे ये हमारा आर आ रहा है। ठीक है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर ले लिए इन्होंने, ये सारे हमारे टंग रोलर हैं। ठीक है, और ये जो थे हमारे, ये हमारे थे नॉन टंग रोलर हैं, एनटीआर नॉन टंग रोलर है। ठीक है, शॉर्ट में आना होता है। अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनता है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर को लेके जाएगा तो ये टंग रोलर होगा। फिर इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो ये भी कैसा होगा, तीन हमारे बनते हैं, या तो पूरे पूरे आर बनेंगे, और इसमें आपको ये जो चारों मिलेंगे ये ऐसे ही मिलेंगे, चारों इसमें टंग रोलर ही मिलेंगे। इसमें एक अगर हम ऐसा ले लें, ये ऐसा ले लेते हैं, ये अगर हम, ये भी टंग रोलर है, ये हो गया। ठीक है,
तो जब लेंगे, जब इसके क्रॉस कराएंगे, आर से कैपिटल आर का कराया तो यहाँ पे ये कैपिटल आर का, ये जो मैंने बताया था यहाँ पे बोर्ड डोमिनेंट बन गया। इसके बाद इसका स्मॉल आर से कराया तो ये भी क्या हो गया, ये भी डोमिनेंट करेक्टर है, ये भी टंग रोलर है, ये भी टंग रोलर है। अब हम इसका जब हम इससे कराएंगे स्मॉल आर से ही, तो ये कैसा होगा, रेसेसिव करेक्टर लेके जाएगा और इसके साथ ये कैपिटल आर को लेके जाएगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। तो तीन डोमिनेंट और एक रेसेसिव मिला है हमें, मतलब तीन इसमें कैसे होंगे, टंग रोलर होंगे और एक नॉन टंग रोलर होगा। ठीक है, ये थी इसकी बात। अब हम बात करते हैं इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप के आई होप सो एलएल समझ में आ गए होंगे, जो कि जीन्स के अल्टरनेटिव की तरह काम करते हैं और ये कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप की। जीनो जीन से समझ में आ रहा है, जो जीन्स से कैरेक्टर आते हैं उनको जीनोटाइप कहते हैं, और जो हमारे किससे आते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं ऊपर से कैरेक्टर्स और फीचर्स दिखाई देते हैं वो फिनोटाइप में आते हैं। ठीक है, तो अब हम जीनोटाइप की बात करते हैं। पहले हम जीनोटाइप की बात कर लेते हैं। जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप जो होता है हमारा वो जीन्स के थ्रू आता है। ठीक है, किसके थ्रू आता है हमारा, जीन्स के थ्रू आता है। इसको क्या हो गया, अभी तो चल रहा था। द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल्स, किस में प्रेजेंट होता है, सेल्स में प्रेजेंट होता है, किसके, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के सेल में जो प्रेजेंट होते हैं वो जीनोटाइप होते हैं। मतलब जीन्स जो जाते हैं एक से दूसरे में जो जाते हैं, मतलब पेरेंट्स जो बच्चों में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, वो जीनोटाइप होते हैं। जो जीन्स के थ्रू जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो हमारे जीनोटाइप होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप क्या होते हैं, जो हमें कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो क्या करते हैं, ऑब्जर्व होते हैं हमें। ठीक है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड, मतलब इसमें जेनेटिकली का भी काम होता है। जो जीन्स के थ्रू क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कलर हो गया, आईज का कलर हो गया, ये सब हमारे फिनोटाइप में आते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे फिनोटाइप कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन्स के कंट्रोल से ही हमें शो होते हैं। और जो जीनोटाइप होता है वो नाम से ही समझ लीजिए, यहाँ पे जीनोटाइप आ रहा है। ठीक है, जीन, जीनो आ रहा है तो मतलब क्या हो गया, जीन्स की बात हो रही है। यहाँ पे फिनो आ गया तो मतलब क्या हो रहा है, फोटो, फोटो से समझ लीजिए इसको। ठीक है, मतलब जो हमको दिख रहा है फोटो में, हम जो देखते हैं वही तो बताते हैं। तो फिनोटाइप में मतलब फोटो समझ लीजिए, कि जो हमको दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप्स कहलाते हैं। इतना आ गया। ठीक है, तो जीनोटाइप्स क्या होते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जीनोटाइप, और जो हमें शोन कैरेक्टर्स होते हैं, एक्सप्रेस शोन कैरेक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो कहलाते हैं हमारे फिनोटाइप। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज और आपको इंक्लूड कर देते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस जो होते हैं हमारे, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, सिमिलर पेयर हैज सिमिलर पेयर, जिनके पेयर क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे कि आर आर,
स्मॉल आर आर, ये क्या हो गए हमारे होमोजाइगस हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हेट्रोजाइगस देखेंगे हम लोग। इसको भी याद करने का मैं तरीका बता देती हूँ आपको, इसकी मैंने सोचा था आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक सब एक जगह से बता दूंगी एक क्लास में। होमो मतलब हो गया सेम, होमो मतलब सेम, ठीक है। हेट्रो, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफर, डिफरेंट, ठीक है। हेट्रो मतलब हो गया डिफरेंट, अलग अलग। होमो मतलब क्या हो गया, सेम। तो इसका क्या होगा, हेट्रोजाइगस में डिसिमिलर पेयर, ठीक है। जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा डिसिमिलर है, हेट्रोजाइगस में आ जाएगा, ठीक है। द जीनोटाइप ऑफ नॉन रोलर इज जस्ट वन सिंगल होमोजाइगस रिसेसिव लाइक एज, कैसा है ये स्मॉल आर, ठीक है। होमो मतलब सिमिलर होता है, हेट्रो मतलब डिफर होता है, इसीलिए ये क्या हो गया, सिमिलर सेम पेयर, और ये क्या हो गया, हेट्रो मतलब डिफरेंट पेयर, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही, नेक्स्ट क्लास में हम पुनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी पेरेंट्स से बच्चों में कैसे जाते हैं जीन्स, ठीक है, हाउ टू ट्रांसफर द जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। मैं ज्यादा लंबी क्लास इसलिए नहीं डालती हूँ कि बच्चे पढ़ने में बोर हो जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी क्लासेस देखिए, जिससे आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा, पढ़ने में मन लगेगा। आपने 15 मिनट, 16 मिनट या 20 मिनट, इससे ज्यादा मैं 20 या 25 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं डालती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा हो तो बात अलग है कि वो खींच जाता है, तो इससे बड़ी क्लास इसलिए भी नहीं डालती हूँ, बच्चे इंटरेस्ट लेके कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी देर में ही बच्चों का इंटरेस्ट क्या होता है, खत्म होने लगता है। तो जब ऑनलाइन क्लासेस लीजिए तो उसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए, जिससे कि वो आपके माइंड में सेट हो सके, ठीक है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास।